नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्रिकेट विद नारायण के साथ। तो गाइज, हम हमेशा की तरह लेकर आए क्रिकेट के तीन बड़े न्यूज, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। नंबर वन गाइज, पाकिस्तान के फॉर्मर प्लेयर दानिश कनेरिया ने इंडिया टीम को लेकर एक बड़ा स्टेटमेंट दिया। दानिश कनेरिया ने कहा कि इंडिया का ऑस्ट्रेलिया में होने वाले T20 वर्ल्ड कप में अच्छा प्रदर्शन टॉप 3 बैट्समैन पर निर्भर करता है। विराट कोहली ने एशिया कप में सेंचुरी मारने के वजह से इंडिया को एक पॉजिटिव साइन मिली है, लेकिन मैं अभी भी डाउटफुल हूँ कैप्टन रोहित शर्मा और वाइस कैप्टन केएल राहुल के फॉर्म को लेकर। दानिश कनेरिया ने आगे कहा कि रोहित शर्मा ये बिल्कुल भी कंसिस्टेंट नजर नहीं आ रहे हैं और इसका इफेक्ट उनके कैप्टनशिप पर पड़ सकता है, और वही केएल राहुल इंजरी से आने के बाद बिल्कुल भी टाइम नहीं कर पा रहे हैं, और अगर केएल राहुल और रोहित शर्मा फॉर्म में नहीं आए तो इंडिया का जो हाल एशिया कप में हुआ था वही सेम हाल T20 वर्ल्ड कप में भी होगा। अगर इंडिया टीम को T20 वर्ल्ड कप जीतना है तो ओपनर रोहित शर्मा और केएल राहुल को अच्छे रन बनाने होंगे और इंडिया टीम को अच्छी स्टार्ट देनी होगी। दानिश कनेरिया ने आगे उमरान मलिक को लेकर कहा कि इंडिया ने उमरान मलिक को नेट बॉलर के तौर पर यूज करना चाहिए, क्योंकि इंडिया की अच्छी प्रैक्टिस होगी ऐसे बॉलर के अगेंस्ट जो कंसिस्टेंटली पेस से बॉलिंग डालता है। गाइस, दानिश कनेरिया के स्टेटमेंट पर आपके क्या व्यूज है कमेंट करके जरूर बताएं। नंबर टू गाइस, सीएसके के फॉर्मर बॉलर ईश्वर पांडे ने एमएस धोनी को लेकर एक बड़ा स्टेटमेंट दिया। ईश्वर पांडे ने कहा कि अगर एमएस धोनी ने मुझे चांस दिया होता तो आज मेरी लाइफ कुछ अलग होती, क्योंकि तब मैं 23-24 साल का था और मेरी फिटनेस काफी ज्यादा अच्छी थी और मैं फॉर्म में भी था। ईश्वर पांडे ने आगे कहा कि फाइनली वो दिन आ गया है जहां मैंने डिसाइड किया है कि मैं रिटायरमेंट ले रहा हूं इंटरनेशनल और डोमेस्टिक क्रिकेट से। मैंने मेरी जर्नी 2007 में शुरू की थी और मैंने हर एक मूवमेंट एंजॉय किया है। मेरे लिए काफी ऑनर था कि मैं इंडिया टीम का हिस्सा था इंग्लैंड और न्यूजीलैंड टेस्ट सीरीज के लिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मुझे एक भी मैच खेलने का मौका नहीं मिला। मैं हमेशा बैड फील करूंगा कि मैं अपने कंट्री के लिए एक भी मैच नहीं खेल पाया और मैं हमेशा एक अनकैप इंडियन प्लेयर के तौर पर पहचाना जाऊंगा। ईश्वर पांडे ने आगे कहा कि विराट कोहली, एमएस धोनी, युवराज सिंह, सुरेश रैना, ईशांत शर्मा, रविंद्र जडेजा, भुवनेश्वर कुमार जैसे लेजेंड प्लेयर के साथ ड्रेसिंग रूम शेयर करना मेरे लिए काफी ऑनर की बात थी और मैं फर्स्ट प्लेयर था एमपी से जिसने इंडिया क्रिकेट टीम में अपनी जगह बनाई थी और ये मेरे लिए सबसे बड़ी अचीवमेंट थी। नंबर थ्री गाइज, हरदीप सिंह के कोच जसवंत राय ने हरदीप सिंह को लेकर एक बड़ा स्टेटमेंट दिया। जसवंत राय ने कहा कि हरदीप सिंह काफी ज्यादा टेंस था पाकिस्तान के अगेंस्ट कैच छोड़ने के बाद। हरदीप सिंह ने मुझे कॉल किया था और कहा था कि उस दिन मैच हारने के बाद मैं पूरी रात सो नहीं पाया था। तब जसवंत राय ने उसे कहा कि तू टेंशन मत ले, गलतियां सबसे होती है। बाद में जसवंत राय ने कहा कि हरदीप सिंह खुद के परफॉर्मेंस से काफी ज्यादा डिसअपॉइंट था। चलिए गाइस, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।